आप देख रहे हैं कि अमाना साहब जो है ये इसको घोट रहे हैं, दाल को मिक्स कर रहे हैं, इसमें मसाले मिक्स कर रहे हैं और इसके बाद ये इसको 10 से 15 मिनट घोटेंगे, फिर ये एक मसाला तैयार हो जाएगा। देखें कितनी मेहनत से ये रगड़ा लगा रहे हैं। इसमें अब ये इसमें देखिए ये नमक डाल रहे हैं, ये नमक डाला है हस्बे जायका ताकि तेज़ ना हो, ये डालेंगे, नमक डालेंगे और अब ये देखें फिर घोटना इन्होंने शुरू किया। ये बिल्कुल नमक से इसमें मिक्स कर देंगे और इसको बिल्कुल बारीक बना देंगे ताकि खाने वालों को लज्जत आए। इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं। देखिए दिखाते हैं कि यार कुछ और चीज़ में ये क्या डालने लगे आप इसमें? ज़ीरा अजवाइन ये डाल रहे हैं इसमें और उसके बाद ये फिर घोटा लगाएंगे। अब ये देखिए मीठा सोडा डाला, इसके बाद ये मेरे ख्याल इसमें थोड़ा सा पानी भी डालेंगे और फिर उसको घोटेंगे। ये देखिए ये इन्होंने थोड़ा पानी मिक्स किया। अब क्या डालने लगे आप इसमें? ऑयल डालने लगे कढ़ाई में, ऑयल डालने लगे ताकि अब इनका ये मसाला तैयार हो गया। अब ये कढ़ाई में ऑयल डालेंगे और फिर इसमें तलेंगे। अब ये देखें कि ताज़ा बिल्कुल फ्रेश ऑयल डाल रहे हैं और शान का अच्छी क्वालिटी। अब हम आपको दिखाते हैं कि ये देखें किस तरह बना रहे हैं। ताज़े ताज़े गरम गरम लड्डू पेठियाँ, मज़ेदार चस्केदार। देखें तकनीक देखें ज़रा इनकी, एक चम्मच से ये कैसे गोल गोल बना रहे हैं और ये आपको सिखा रहे हैं ताकि आप घर बनाना चाहें तो बना सकते हैं घर आप। और अगर आप ऑर्डर करना चाहें तो इनको ऑर्डर करके गरम गरम ताज़े ताज़े आप मंगवा सकते हैं, लेकिन ऑर्डर इतना होना चाहिए कि इनको पहुँचाने में आसानी हो। या कोई फंक्शन हो, फंक्शन में भी ये जा सकते हैं, फंक्शन में भी आते हैं। और लाहौर के मशहूर अमानत हैं जो लड्डू पेठियाँ बनाते हैं। आप देखें कैसे खूबसूरत तरीके से ये चीज़ बन रही है। ये देखिए लाल होना शुरू हो गए हैं, पकना शुरू हो गए हैं। ये इस वक्त अलीम डार एकेडमी के सामने खड़े होते हैं। अगर आप लाइव इनसे लेना चाहें तो अलीम डार एकेडमी के पास आप आके आप उनसे लाइव अपनी ये लड्डू पेठियाँ ले सकते हैं। ये तकरीबन 11 बजे के करीब आते हैं और शाम 3-4 बजे तक फारिग हो घर चले जाते हैं। ये देखिए अब ये लाल होना शुरू हो गया, तकरीबन तैयार होना शुरू हो गया। इमली बुखारे वाली खट्टी चटनी है, खट्टी मीठी। इसमें क्या क्या डाला आपने? इसमें सब मिर्च, धनिया, पुदीना, लहसुन, अदरक और नमक। अच्छा, इसको आपने बनाया है। इसके अलावा इसमें और क्या डालते हैं? दूसरी आप चीज़ें दिखा रहे थे। ये मीठी दिखाएँ ज़रा, हमारे यूट्यूब चैनल वालों को आप दिखाएं कि इसमें आप क्या क्या डालते हैं। ये आलू बुखारे वाली है, कुर्बानी वाली चटनी। आलू बुखारा, कुर्बानी, और क्या डालते हैं इसको? इसमें इमली होती है और चीनी। चीनी होती है। और कितनी देर में ये बन जाती है? ये रात को पकानी पड़ती 3 घंटे। अच्छा, इसके बाद फिर ग्राइंड करते हैं। अच्छा, डाल के दिखाएँ ज़रा चमचे में। ये अच्छा, ये देखिए आपको हम दिखा रहे हैं, ये आलू बुखारे की चटनी है। अब तीसरी इसमें क्या है? वो स्वीट चटनी। अच्छा, ये आपको दूसरी हम हरी चटनी दिखा रहे हैं, ये ज़रा चमचे में निकाल के दिखाएं। ऊपर करें, हम आपको देखने वालों को दिखाएंगे कि आपने कितनी मेहनत से चटनी तैयार की थी। दाल में ये डालते क्या क्या? ये माना साहब, इसमें आप क्या क्या डालते हैं? मूली होती है और चुकंदर, गाजर और लाल मूली, इस तरह की चीज़ें वगैरह डाल। ये देखें, आप तैयार हो चुके हैं लड्डू पिठियाँ और अब ये निकाल रहे हैं। कलरफुल बन गई लड्डू पिठियाँ, बेहतरीन, ताज़ा ताज़ा, गरम गरम।